अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़ाइव डीज़ ऑफ़ एबनॉर्मल बिहेवियर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हम एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने जा रहे हैं ठीक है जब भी आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंसिडर करते हो तो आ, दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं एक नॉर्मल बिहेवियर होता है और एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है और ये फ़ाइव डीज़ हैं जो कि फ़ाइव ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि हमें इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है या एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है फर्स्ट डी इज़ नोन एज डेवियंस डेवियंस क्या होता है डेवियंस रेफर्स टू दोज फीलिंग्स दोज एक्शंस एंड दोज थॉट्स, दैट आर स्वेयर दैट आर डिफरेंट एंड दैट आर अनयूजअल अब ये सिवियर होते हैं डिफरेंट होते हैं और कॉमन नहीं होते लेस कॉमन होते हैं इन एनी स्पेसिफिक कल्चर इन एनी स्पेसिफिक सोसाइटी और इन एनी स्पेसिफिक रिलीजन अब डेवियंट बिहेवियर कौन सा होता है ये वो बिहेवियर होता है जो के डिफरेंट होता है लेस कॉमन होता है जो के कल्चरल रूल्स को जो के सोसाइटल रूल्स को जो के रिलीजियस रूल्स और नॉर्म्स को डेविएट कर रहा होता है ठीक है आप फॉलो नहीं कर रहे होते अपने कल्चर के रूल्स को आप फॉलो नहीं कर पा रहे होते अपने सोशल रूल्स और लॉज को और आप अगेंस्ट जा रहे होते हो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसज या रिलीजियस रूल्स और लॉज के ठीक है अब आपकी फीलिंग्स इफ़ द फीलिंग्स थिंकिंग एंड बिहेवियर आर सवियर एंड इफ़ दीज फीलिंग्स एंड थिंकिंग आर एक्शंस आर डिफरेंट

जो डी है एबनॉर्मेलिटी का इट इज़ नोन एज डिस्ट्रेस अब डिस्ट्रेस क्या होता है जनाब ये अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं वो जो हमें अपसेट कर रही होती हैं ठीक है अपसेटिंग फीलिंग्स होती हैं अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं और इसके पीछे रूट का जो क्या होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल दूसरे लोगों की वजह से भी या कुछ ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी इंडिविजुअल अपसेट फील कर रहा होता है अनप्लेजेंट फील कर रहा होता है या समटाइम्स इंडिविजुअल ख़ुद जो है uh, वो क्रिएट कर रहा होता है डिस्ट्रेस और यही वाली प्रॉब्लमेटिक uh, बिहेवियर uh, जो है वो क्रिएट कर रहा होता है और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन प्रोड्यूस करता है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और अपने सोशल ग्रुप के लिए ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है ये सिम्टम्स जो हैं ये भी एक इंडिकेशन है बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है थर्ड डी इज डिपेंडेंट ऑन ड्यूरेशन ठीक है ड्यूरेशन मीन्स टाइम लिमिट कितने टाइम के लिए आप कोई बिहेवियर शो कर रहे होते हो ठीक है ये डिपेंड करता है टाइम लिमिट पे फॉर एग्जांपल हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या होता है हमारा मूड चेंज होता है अक्सर हम अपना मूड चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सराउंडिंग्स जिस तरह का एन्वायरमेंट होता है हम जिस सिचुएशन में जाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर जो है हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाता है एंड देट इज़ द डिमांड ऑफ एनवायरमेंट वो हमारे इन्वायरमेंट की हमारी सराउंडिंग की डिमांड होती है फॉर एग्जाम्पल हम किसी हैप्पी सिचुएशन में जाते हैं अच्छी गैदरिंग में जाते हैं तो हमारा मूड भी प्लेजेंट रहता है आप किसी सैड सराउंडिंग में जा रहे हो अनहैपी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो आपका मूड भी अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली उसी तरह से चेंज हो जाएगा लेकिन ये है कि ये जो डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स होती हैं ये जो अपसेटिंग फीलिंग्स होती हैं या ये जो अनप्लेजेंट आपका मूड रहता है अगर ये जो बिहेवियर है ये परसिस्टेंट अगर ये मूड चेंजेस परसिस्टेंट हो या ये मूड चेंजेस हर सिचुएशन में प्रेजेंट रहें जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है हो, उसके हिसाब से आपका मूड चेंज ना हो बल्कि ये अपसेटिंग या डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स आपके साथ रहें ठीक है देन दिस सिचुएशन इज़ अलार्मिंग सिचुएशन फिर ये डिफ़िकल्टी हो जाती है क्योंकि ये हमें इंडिकेशन दे रहा होता है कि हमारा जो बिहेवियर है ये एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ जा रहा है ठीक है Uh, ये जो टाइम ड्यूरेशन है टाइम लिमिट है कि कितने टाइम तक अगर हम कोई बिहेवियर शो कर रहे होते हैं तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर ठीक है डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं हर डिसऑर्डर का हर सिम्टम का अपना टाइम ड्यूरेशन है कि अगर इतने टाइम से ज़्यादा आप ये, एक बिहेवियर शो कर रहे हो तो तब वो आपको एबनॉर्मल बिहेवियर कंसिडर होता है सो एबनॉर्मल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू दिस डी फोर्थ डी है डिस फंक्शन डिस फंक्शन क्या होता है इन एबिलिटी टू परफॉर्म यूर फंक्शन प्रॉपरली ठीक है अब आप अगर अपने डेली फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते एक इंडिविजुअल जो डेली रूटीन में जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी होती है जाहिर है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है जो वो बिहेवियर जो उसने डेली रूटीन में परफॉर्म करने हैं अगर वो नॉर्मली अपने लेस एफर्ट्स के साथ अपने प्रॉपर टाइम पे डेली बेस पे विद एनर्जी uh, अगर वो उन बिहेवियर्स को इंडिविजुअल उन टास्क को डेली फंक्शनिंग को फुली परफॉर्म कर लेता तो है तो नॉर्मेलिटी है नॉर्मल बिहेवियर है लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ द इंडिविजुअल फील्स अनएबल टू परफॉर्म दी डेली टास्क वही टास्क जो इससे पहले वो परफॉर्म कर चुका है अगर उसकी इनबिलिटी होती है उन डेली टास्क को परफॉर्म करने में या वो ज़्यादा टाइम ले लेता है ज़्यादा एफर्ट्स ले लेता है जितनी एफ़र्ट ज़्यादा ले रहा है टाइम ज़्यादा ले रहा होता है दैट इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देट स्पेसिफिक टास्क पहले जितना टा, पहले जितना टाइम लेता था उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है ज़्यादा एफर्ट्स के साथ कर रहा है और अनएबल uh, है उस टास्क को डेली फंक्शनिंग को परफॉर्म करने में तो वो डिसफंक्शनल बिहेवियर होता है और अगर रिपीटेड यही बिहेवियर है तो इट मीनस ये ये आपका डिसफंक्शनिंग बिहेवियर ये जो डिसफंक्शनल बिहेवियर है ये इंडिकेशन है आपके एबनॉर्मल बिहेवियर की लास्ट डी है डेंजर डेंजर क्या होता है रिस्की या हार्मफुल बिहेवियर्स होते हैं वो बिहेवियर्स जो हार्मफुल हों जो इंडिविजुअल के अपने सेल्फ के लिए और समटाइम्स दूसरों के लिए ठीक है सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स भी हो सकते हैं और हार्म इंडिविजुअल प्रोवाइड कर सकता है दूसरों को भी अब सेल्फ़ हार्मिंग क्या होता है अपने आप को टार्चर करना अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाना अपने आप को मेंटली टार्चर करना या समटाइम्स निगलैक्शन ऑफ सेल्फ जब अपने आप को निगलैक्ट भी कर रहा होगा तो तब भी सेल्फ फार्मिंग बिहेवियर है अपने आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा अपने आपको निगलेक्ट किया जा रहा है या अपने आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है फिजिकली किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है तो सेल्फ फार्मिंग बिहेवियर है एंड इट इज एव नॉर्मल बिहेवियर और समटाइम्स क्या होता है इंडिविजुअल हार्म uh, प्रोवाइड करते हैं दूसरों को वो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं जो दूसरों के लिए हार्मफुल हों दूसरों के लिए नुकसानदेह हों दूसरों को टार्चर करें मेंटली टार्चर करें फिज़िकली उनको uh, किसी भी तरह का कोई हार्म प्रोवाइड कर लेते हैं ठीक है तो ये जो दूसरों को भी हार्म प्रोवाइड करना या उसकी इंटेंशंस रखना और अपने आप को सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी परफॉर्म करना ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर की ही एक टाइप है और ये भी इंडिकेट करता है कि आपका बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है थैंक यू